अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन पिज्जा कटलेट, बहुत ही मजेदार बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाते हैं आज की, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून मक्खन यानी कि बटर डाल दीजिए। थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो 1 छोटा चाय का चम्मच भरकर कूटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए। चूल्हा मैं मीडियम कर देती हूँ और तकरीबन आधे से 1 मिनट तक बार बार चलाते रहें और फ्राई करें। ये है 250 ग्राम चिकन बोनलेस है, ये मैंने पका ली है और इसे श्रेड कर लिया था। चलिए, जब ये आधे से 1 मिनट हो जाए तो ये सारी पकी हुई बोनलेस चिकन श्रेड करी हुई डाल दीजिए और इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कीजिए मीडियम आंच पर। जब लहसुन का इसमें फ्लेवर आ जाए तो यहाँ पर मैं चूल्हा स्लो कर देती हूँ। ये 1/4 कप लाल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 कप पीली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और आधा कप हरी शिमला मिर्च कटी हुई और यह है आधा कप बारीक कटी हुई प्याज। ये सारी चीज़ों को डाल कर इसमें अब मैं डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार और आधा छोटा चाय का चम्मच या फिर 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, मैंने 1 डाला है। 1 छोटा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 छोटा चाय का चम्मच ऑरेगानो दोनों डाल दीजिए और इसके साथ साथ सबसे पहले तो इसे मिक्स कर लीजिए और टमाटर सॉस डाल दीजिए या फिर पास्ता या पिज्ज़ा सॉस जो होता है वो डाल दीजिए, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ और इसे डालकर मिक्स कर दीजिए। आधे मिनट तक इसे फ्राई करें मीडियम आंच पर और जब फ्राई हो जाए, ये सारे मसाले वगैरह जो भी हैं सॉसेस इसमें अच्छे घुल जाए, चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे ढकिएगा मत और इसे है ना इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने रख दीजिए। ये तकरीबन 550 ग्राम उबले हुए आलू हैं, छीले हुए हैं और इसे रफली काट लीजिए या फिर मोटा मोटा ग्रेट कर लीजिए। मैं ग्रेट कर रही हूँ। 550 से 650 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच नमक या अपने स्वाद अनुसार डालिए। मैं यहाँ 1/2 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं या टोटली स्किप कर सकते हैं अगर बच्चों को दे रहे हैं तो। और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। थोड़ा सा तेल को हाथों की मदद से ग्रीस कर लीजिए और ये जो आलूओं का मिक्सचर है उसे थोड़ा सा लीजिए और इस तरीके से हाथों की मदद से चपटा करते जाइए। जब अच्छा चपटा हो जाए तो यहाँ पर ये जो चिकन का मिक्सचर है वो डाल दीजिए। फिर ये जो चीज़ है, मैंने मोज़रेला नहीं ली है, अगर आपको एकदम स्ट्रिंग टाइप चाहिए तो आप मोज़रेला लीजिएगा और इसके ऊपर फिर से चिकन का पोर्शन रखिए और इसे थोड़ा सा प्रेस करते जाइए चिकन के पोर्शन को और साइड से इस तरीके से उठाते जाएं और इसे पैक कर दें इस तरीके से और अच्छा सा चपटा उलट पलट में अच्छा चपटा शेप दें और साइड से भी अच्छा शेप दें और ये बन गया हमारा एक चिकन चीज पिज्ज़ा कटलेट और इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बना लीजिए या फिर मैं दूसरा वे भी बता देती हूँ। छोटा सा पोर्शन लीजिए इसका आलूओं का और उसे साइड पर रख दीजिए, फिर से दूसरा एक छोटा पोर्शन लेके उसे भी चपटा कर लीजिए और उसके ऊपर अब फिर चिकन मिक्सचर रखिए, चीज़ का मिक्सचर रखिए, मैंने खुर्ची है चीज़ और उसके ऊपर फिर से चिकन का मिक्सचर रख कर ये जो नीचे जो आलू रखा है चपटा करा हुआ इसे लेकर इसे साइड से सील कीजिए, अच्छा सा उलट पलट में शेप दीजिए चपटा सा और साइड पे भी अच्छा शेप देके ये वाल लिया आपने एक चिकन चीज कटलेट हमारा पिज्जा वाला। इसी तरीके से सारे बना लीजिए, दोनों ही वे सही है, आपको जो पसंद आए आप वो वाले बनाइए। मैं क्या कर रही हूँ, इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं और आप वार सकते हैं, आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं तो आप फ्रिज में ना रखें, अंडे का प्रोसीजर चालू कर दीजिए। 1 या 2 अंडे लीजिए, एक प्याले में डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक और 3 टेबलस्पून जितना मैं दूध डाल रही हूँ। अगर आप 1 अंडा डाल रहे हैं तो 1.5 टेबलस्पून डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर इसे साइड पर रख दीजिए। ये है अंडा फेटा हुआ, ब्रेड क्रम्स और ये जो अभी मैंने फ्रिज से निकाले हैं हमारे कटलेट्स। एक कटलेट लीजिए, इसे अच्छे से उलट पलट करते हुए अंडे में लोटिए, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में बहुत अच्छे से वेल कोट कीजिए चारों ओर से। तो ये बन गया हमारा एक चिकन चीज पिज्जा कटलेट। इसी तरीके से सारे कर लीजिए।
चलिए, मैंने सारे वार लिए हैं और ये तकरीबन 250 ग्राम चिकन में आप देख सकते हैं 8 कटलेट्स निकले हैं। अच्छा, मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिए हैं, आपको अभी फ्राई करने हैं तो आधा घंटा फ्रिज में रख के फिर फ्राई कीजिएगा, या फिर आप मेरी तरह, मैं आधा बना रही हूँ आधा स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप एक एयरटाइट कंटेनर लीजिए, नीचे बटर पेपर रखिए, फिर ये जो हमारे कटलेट्स हैं इनकी लाइन लगा दीजिए इसी तरीके से इन्हें, और उसके ऊपर फिर से बटर पेपर लगा कर फिर से हल्के हाथ से अपनी जो कटलेट्स हैं वो सारे की लाइन लगा दीजिए, और इसे ढक कर फ्रीजर में रख दीजिए। तकरीबन आप 1 महीने तक स्टोर करके इसे रख कर खा सकते हैं। मैं आधे अभी बना रही हूँ, आधे कल बनाऊंगी। आप चाहें तो जिप लॉक बैग के अंदर भी स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीजर के अंदर। चलिए, अब आप फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, फास्ट आंच पर गर्म कर लीजिए, अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए, और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे जो कटलेट है ये डाल दीजिए, और इसे थोड़ी देर, तो फ्यू सेकेंड्स के लिए इसे पकने दें पीछे का साइड। जब हल्का आपको लगे कि पक गया है तो आप पलट दीजिए, और उलट पलट करते हुए मीडियम आंच पर इसे पका लें। तब तक पकाएं जब तक दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। जब लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी दोनों ओर से हो जाए तो इन्हें निकाल कर साइड पर नितारने रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बैचेस में फ्राई कर लीजिए मीडियम आंच पर उलट पलट करते हुए। जब आप ये वार लें ना, तो उससे पहले 1 घंटे के लिए फ्रिज में रहने दें प्लेट के अंदर ही, उसके बाद आप निकाल के एयरटाइट कंटेनर में डालकर फिर फ्रीज करिएगा। चलिए मैं एक आपको बता देती हूँ खोलकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बढ़िया सा मजेदार दिख रहे हैं ये। अच्छा, मैंने मोजरेला चीज नहीं यूज की है, तो वो जैसी स्ट्रिंग टाइप निकलती है ना, वैसी अगर आप मोजरेला यूज करोगे तो वैसी निकलेगी। मुझे मोजरेला ज्यादा पसंद नहीं है, घर में खाई नहीं जाती, इसके लिए मैंने मोजरेला इस्तेमाल नहीं की है। यहाँ तो ये बन गया हमारे गर्मा गर्म चीज चिकन पिज्जा कटलेट, एकदम बढ़िया से। केचप के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं, वैसे हरी चटनी की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप लोगों के लिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, है ना मजेदार? अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए इस वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक्स फॉरवर्ड कीजिए ये वाले वीडियो के। और मैंने खूब सारी रमजान की रेसिपीज बनाई है, अपलोड की है मेरे चैनल पर, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिए। बनाएं, खाएं, खुश रहें, और मुझे दुआओं में जरूर याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।